गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ में एक अनबॉक्सिंग शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, शायद आपके लिए यूज़फुल हो। इससे पहले भी मैं प्लास्टिक की अलमीराज मंगा चुकी हूँ, क्योंकि अगर हम लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं तो हर बार वुडन अलमीराज और आयरन की अलमीराज जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाती हैं शिफ्टिंग के लिए और बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो जाता है। तो मेरे पास एक आयरन की भी अलमीराज है, लेकिन बाकी सारी मेरी जो हैं वो प्लास्टिक की हैं, नीलकमल की हैं। फिर भी मेरी कुछ चीज़ें थी, बेडशीट्स वगैरह, जो ऐसे ही कोने में एक बैग के अंदर रखी हुई हैं, तो मैं उसको अच्छे से अरेंज करना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और अलमीरा मंगा ली जाए। ये जो अलमीरा है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये लेंथ में अच्छी है पर इसकी विड्थ उतनी नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि जो मेरी पहले वाली अलमीराज हैं वो नीलकमल की हैं और ये सेलो की हैं। तो मैंने इस बॉक्स को ऊपर से तो सैनिटाइज कर लिया है, पर अभी ये अंदर से सैनिटाइज नहीं है। तो पहले मैं इसको ओपन करती हूँ, फिर मैं अंदर की जो सारी चीज़ें हैं उसको सैनिटाइज करूँगी, उसके बाद मैं इसको असेंबल करूँगी। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं मास्क पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना है। तो गाइस ये जो पेपर है इसमें पूरा मेंशन किया हुआ है कि इसको कैसे असेंबल करना है। इससे पहले तो मैंने बुलवा के असेंबल करवाया था, फर्स्ट टाइम हम लोग खुद करेंगे असेंबल। और अब सबसे पहले देखना है कि कोई पार्ट डैमेज तो नहीं है, अगर डैमेज होगा तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगी। चेक कर लेती हूँ कि कोई पार्ट डैमेज तो नहीं है, और उसके बाद इसको सैनिटाइज करने के बाद मैं आपको इसकी असेंबलिंग दिखाऊंगी। तो अभी मेरे सारे पैनल सैनिटाइज हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं। एक पेपर दिया हुआ है जिसमें बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सा पहले यूज करना है, कौन सा बाद में यूज करना है। इवन इतने सारे जो इसके पैनल्स हैं उसमें आप देखोगे ऐसे बैक साइड में लिखा भी हुआ है, यहाँ पे ये कि ये साइड पैनल है, कि बैक पैनल है, कि बॉटम है, कि डोर है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमको बॉटम से स्टार्ट करना है। तो ये वाला जो पार्ट है वो बॉटम है। आप इसमें देखिए, इसमें सेंटर में भी एक सपोर्ट दिया हुआ है, क्योंकि जब हम यहाँ पे कुछ भी अंदर सामान रखेंगे तो सारा लोड एक सेंटर पे ना पड़े, इसलिए उन्होंने ये दिया है। इसकी वजह से मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। नीलकमल में ये चीज़ नहीं थी पर इसमें है। तो सबसे पहले हम जो है इसका जो बैक पार्ट है उसको ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ये इधर से ब्रॉड है और इधर से थोड़ा सा कम है, दोनों तरफ सेम चीज़ है। तो इसमें जो आप ये फ्लैट वाला पार्ट देख रहे हो बैक साइड में, ये जो है अंदर की तरफ रहेगा और पीछे ये वाला पार्ट रहेगा। तो हमें इसको इस तरीके से यही सेम चीज हमको इधर भी करनी है। तो हमारा एक बैक पार्ट लग गया है, अब हम इसके साइड पैनल। तो ये है हमारा साइड पैनल। तो जब हम साइड पैनल्स करेंगे तो इसमें ये जो प्लेन वाला पार्ट है ये बाहर की तरफ रहेगा और ये अंदर की तरफ रहेगा। अब हम इसके
कनेक्टर्स इंस्टॉल करेंगे। सो इसका एक कनेक्टर है ये, देख रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। बस आपको जो भी इसके ब्लॉक्स है ना उसके हिसाब से मैच करना है। सो अभी मैं साइड कनेक्टर्स इंस्टॉल कर रही हूँ। Now again back panels and side panels. So अभी मेरी second layer भी ready हो गई है। इसमें पूरी तीन layers हैं, means इसमें आपका जो side panels हैं वो छह हैं और जो बैक पैनल्स हैं वो भी छह हैं। अब मैं थर्ड रेडी करूंगी, सेम प्रोसीजर, बैक साइड देन साइड्स। सो ये वाला जो डोर है ये हमने फिट कर दिया है। डोर्स को आपको पहले ही पूरा इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद लास्ट में आपको इसे ऐसे फिक्स करना है। अब मैं आपको दूसरा करके दिखाती हूँ कि कैसे होगा। इसमें यहाँ पे आप देख रहे हो स्पेस दिया हुआ है, ऊपर भी नीचे भी, और यहाँ पे आपको बस इसको पुश करना है। ये ऐसे रखा, और अब हम इसका अपर पार्ट लगाएंगे। इसमें से आगे कौन सा रहेगा, ये आगे रहेगा। सो अब हम इसको ऊपर जो भी हमारे होल्स हैं उसके हिसाब से हम इसको इन करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो ऐसे चार रैक्स दिए हैं और यहाँ पे ये लोहे का सपोर्ट दिया है ताकि आप जब कुछ हैवी रखो तो ये बीच से बेंट ना हो। और आप इसको अपने अकॉर्डिंग जितनी हाइट पे भी आपको जो सा फिक्स करना है, यहाँ पे काफी सारे होल्स दिए हैं, आपको जहां जहां पे जो फिक्स करना है वहां पे वो फिक्स कर सकते हैं। तो जैसे ये देखिए ये एक फिक्स हो गया। इसी तरह अगर आपको थोड़ा और ऊपर करना है ऊपर कर सकते हैं, जितना ऊपर करना है आप कर सकते हो, उस तरीके से दिया हुआ है। अब इसी तरीके से हम चारों फिक्स करेंगे और हमारी अलमीरा रेडी। सो ये इंस्टॉल हो गई है और ये क्वालिटी भी काफी अच्छी है, सेम टू सेम मुझे नील कमल जैसी ही दिख रही है, कोई भी फर्क नहीं, बल्कि मुझे ये ज्यादा बेटर लग रही है। क्यों बेटर लग रही है, क्योंकि मैंने आपको जैसा पहले बताया इसमें नीचे से सपोर्ट दिया हुआ है ताकि अगर आप कुछ रखते हो तो ये बीच में से बेंड ना हो। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी। और ये मुझे इसका जो प्राइस है वो मुझे पड़ा है 5,500 आफ्टर डिस्काउंट, और मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप भी चाहो तो खरीद सकते हो। और रेंटेड हाउस के लिए तो प्लास्टिक की अलमीरास बेस्ट हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।